अगर आपके घर पे गैस कनेक्शन नहीं है परिवार के किसी भी सदस्य के नाम का, तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल निःशुल्क नया गैस कनेक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि निःशुल्क गैस कनेक्शन लेने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस योजना में आवेदन करने की क्या योग्यताएं सरकार ने निर्धारित की हैं, और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, कौन से पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होता है, तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ऑनलाइन आवेदन वाले प्रोसेस के अंदर ही मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट व दूसरी जो भी जानकारी होगी वह सभी जानकारी आप सभी को दे दूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके आप माई एलपीजी टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा, myLPG.in। इसे ओपन करेंगे तो ये वाला पोर्टल आ जाएगा, और इसके जस्ट नीचे आपको एक ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसी पोर्टल से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आपके फॉर्म आवेदन का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, ये लैंग्वेज चेंज कर ली है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस योजना में आवेदन करने के लिए जो पात्रता मापदंड है वो क्या है, यानी कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा एक घर के अंदर पूर्व में अगर कोई भी गैस कनेक्शन ले रखा है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते किसी भी कंपनी का। इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों में से जो लोग हैं वही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक श्रेणियाँ दी गई हैं, इन श्रेणियों में हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपको लाभ मिला है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग MBC से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवार हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साय एवं पूर्व साय बागान जनजाति हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। वनवासी भी आवेदन कर सकते हैं। द्वीप व नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। SEC परिवार जो हैं, SEC जनगणना के जो भी परिवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सविता सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं तो भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी योग्यताएं हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आप ग्राहक को जानिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने ग्राहक को जानिए, EKYC, यानी कि EKYC इसके अंदर होगी। EKYC के अंदर असम व मेघालय के अंदर छूट है, तो EKYC के लिए आपका आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लगेगा। आवेदक पहचान से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज लगाना होगा, आधार कार्ड, पता का प्रमाण लगाना होगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ भी आपको लगाना होगा, तो ये लगाने आपके जरूरी हैं। इसके अलावा आपका राशन कार्ड लगेगा, तो एक राशन कार्ड लगेगा जो परिवार की संरचना को प्रमाणित करता हो, यानी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और एक पते का प्रमाण लगेगा, ये आप इतना समझ ले। और इसके अलावा वरिष्ठ का सदस्य जितने भी परिवार के अंदर हैं उन सभी के आधार कार्ड लगेंगे। इसके अलावा बैंक खाते की एक पासबुक लगेगी, और परिवार की स्थिति के समर्थन में KYC आपको करवानी होगी, जो मैं आपको बता सका। तो आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आवेदन के 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडेन का बताता हूँ। तो इंडेन कंपनी से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपके इंडेन की गैस एजेंसी आपके आसपास अवेलेबल हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। भारत की अगर हैं आपके आसपास, यानी कि आसपास जो भी गैस एजेंसी हैं उससे ही आपको आवेदन करना होगा। जिस भी कंपनी की गैस एजेंसी आपके पास में आई हुई है तो उसका सिलेक्शन करके आवेदन आपको करना होगा। तीनों ही प्रोसेस अलग अलग होते हैं, तीनों ही कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं, तो उन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो तीनों के अंदर एक ID क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन के अंदर यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ कि किस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, मोबाइल फोन नंबर वगैरह, ईमेल ID डाल के प्रोसेस करेंगे, एक OTP मिलेंगे, वेरीफाई करेंगे, आप इस ID के पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा PM उज्ज्वला योजना का, उसके ऊपर क्लिक करके एक नया आवेदन कर लेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो मैं आपको बाद में दे दूंगा, एक बार मैं तीनों का आपको बता देता हूँ कि इनके प्रोसेस के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये हो गया इंडियन का। फिर भारत के लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है।
तो यहाँ पे भारत पे आ गए हैं आप। उसके बाद आपको टाइप ऑफ द कनेक्शन, तो उज्ज्वला 2.0 आप ले लेंगे। उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, कौन से स्टेट हैं वो आपको यहाँ पे लेना है, आपका स्टेट लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और यहाँ पर भी आगे का जो है गैस एजेंसी दिखाई देगी, तो गैस एजेंसी का सिलेक्शन करना है। तो इंडियन से इसका दोस्तों देख सकते हैं अलग है, कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई करके एक आईडी क्रिएट करनी होगी और फिर वापस आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा। अब मैं आपको तीसरे का फॉर्म कंप्लीट इजीली खुल जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसी प्रकार के फॉर्म दूसरों के अंदर भी खुलेंगे, तो मैं एसपी वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब एसपी के अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है आपको उज्ज्वला योजना वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जस्ट लोकेशन वाइज वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्टेट ले लूँगा, फिर यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट ले लूँगा और फिर गैस डिस्ट्रीब्यूटर ले लूँगा यानी गैस एजेंसी ले लूँगा। यहाँ पर जो भी आपके पास आई हुई है उसका सिलेक्शन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म खुलता है। तो दूसरों का फॉर्म थोड़ा दिखने में तो अलग होगा लेकिन प्रोसेस उसके अंदर भी यही होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करके ईकेवाईसी करनी है, फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी ईकेवाईसी से आ जाएगी, जो डिटेल नहीं आएंगी वो भरेंगे, फिर यहाँ पे राशन कार्ड की आप डिटेल भरेंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, ये एड्रेस वाला भाग है, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल भरेंगे इस वाले भाग के अंदर। इसके अंदर एलपीजी कनेक्शन डिटेल कितने का लेना है, तो 14.2 kg वाला आप ले लेंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे जो साथ में संलग्न कर रहे हैं और आईडी कार्ड नंबर भी डालेंगे एड्रेस प्रूफ के अंदर, जो भी लगा रहे पीओए के अंदर। फिर एक एक करके ये डॉक्यूमेंट सभी अपलोड करेंगे, फिर परिवार के सभी सदस्यों का विवरण यहाँ पे डाल के ऐड पे क्लिक करके ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करेंगे और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो ये तीनों के अलग अलग प्रोसेस थे जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से इनके फॉर्म के बता चुका हूँ, जल्दी मैं कंप्लीट वीडियो भी आपको दे दूंगा। तो तीनों ही कंपनी का एसपी भारत या इंडियन, जिस किसी की गैस एजेंसी आपके आसपास अवेलेबल है, तो तीनों का ही ऑप्शन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसकी जानकारी आप सभी को मैं दे चुका हूं। अब दोस्तों अगर इसको कंप्लीट वीडियो की जरूरत है कि तीनों का कंप्लीट आवेदन करके आप सभी को बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तीनों ही गैस कंपनी का कंप्लीट फॉर्म भरने का वीडियो आप सभी को दे दूंगा कि अगर इंडियन कंपनी से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, भारत से करना है तो किस प्रकार से भरा जाएगा और एसपी से करना है तो किस प्रकार से भरा जाएगा। तीनों ही फॉर्म का जो आवेदन का पोर्टल तो एक है लेकिन उसके आगे जब पहुंचेंगे मेन फॉर्म पे तो तीनों के पोर्टल अलग अलग हो जाते हैं और तीनों के प्रोसेस भी अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो बाय बाय दोस्तों।